विगत दिनों पहले आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, उसको लेकर आपका क्या कहना है? जी, मैं उसके बारे में यही कहना चाहूंगी, हमें गर्ल्स को ही सेल्फ डिफेंड होना पड़ेगा। हमें जैसे ही कुछ भी पता चले हमें उसको रोकने के लिए खुद को सेल्फ डिफेंड होना चाहिए और कदम बढ़ाना चाहिए आगे। महिला उत्पीड़न को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? महिला उत्पीड़न के हिसाब से मैं ये कहना चाहूंगी कि लेडीज खुद ही सेल्फ डिफेंड बनेगी हर चीज में, और हर चीज में आगे बढ़ेगी खुद कि नहीं यार मेरे साथ ये गलत हो रहा है, चाहे वो घरेलू हिंसा हो चाहे बाहर कुछ भी हो, तो वो खुद ये सोचेगी नहीं मेरे खिलाफ मुझे ही लड़ना है, तो ये हिंसाएं रुक जाएगी। आज जो आपके साथ जो हादसा होने वाला था, या जिस व्यक्ति विशेष ने आपके साथ में कोई बदतमीजी की, वो आप किस प्रकार से आपने उसके साथ में फाइट की? जब इतना सब कुछ हो गया तो वहाँ आम जनता क्या कर रही थी, और आप एक महिला होने के नाते पूरा महिलाओं को भी क्या संदेश देंगी, और आपके साथ में क्या घटना हुई थी आप विस्तार से बताइए। जी, मैं सुबह के टाइम ऑफिस आ रही थी, तो वो आदमी कहीं रास्ते में से ऑटो में बैठा था, और ऑटो में भी वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था, तो मैंने उसको इग्नोर किया कुछ देर के लिए, और मैंने सोचा कि सुबह सुबह लड़ने के बजाय मुझे ऑफिस के काम में ध्यान देना चाहिए, तो ऑफिस के हिसाब से मैं निकल गई। लेकिन जैसे ही मैं ऑटो से उतरी और ऑटो चालक को मैंने पैसे दिए, पैसे देते ही जैसे टर्न ली तो उसने मुझे बोला अच्छा चल ठीक है बाय, आगे और भी उसने मुझे कुछ बोला डॉट डॉट करके, देन आगे आप समझ आइए। तो मैंने उसकी कॉलर पकड़ी और मैंने उसको साइड में किया पहले रोड से, मैंने कहा भाई तू साइड में आओ, और मैंने उससे पूछा कि क्या बोल रहा आप बोल तू, तो वो मुझे बोलने लगा दी मैंने आपको कुछ नहीं बोला, तो मैंने फिर उसको मारपीट शुरू कर दी मैंने उसके साथ। मैंने कहा कि तुम हर एक लड़की में तुम्हें सिस्टर, अगर पहले बहन दिख रही थी अभी बहन दिख रही हो तो पहले क्या दिख रही थी मैं आपको, अगर थोड़ी देर पहले बहन देखा होता मुझे तो इतना कुछ होता ही नहीं। उसके बावजूद धीरे धीरे सभी लोग जमा होने लगे वहाँ पे, 100-150 इंसान वहाँ इकट्ठे हो गए, लेकिन किसी ने कोई हेल्प करने की हिम्मत नहीं की। उसके अलावा वो अकेला था, ठीक है मैंने लड़ लिया उससे, या वो अगर मेरे ऊपर हमला करता वापस तो भी मैं यही मानती हूँ कि आई थिंक वो लोग कोई भी आगे नहीं बढ़ते, या वो 4-5 जने होते तो मेरा खुद का बचना मुश्किल था, लेकिन उसके लिए किसी ने हेल्प करने की जरूरत नहीं समझी। तो मैं लोगों से तो ये कहना चाहूंगी कि कभी भी किसी भी लड़की या लड़के की लड़ाई देखते हो आप, एक बार आप उनसे पूछने की जरूर कोशिश कीजिए, अगर वो आपको ये कहते हैं कि नहीं हमारा पर्सनल मैटर तो आप छोड़िए, लेकिन एक बार पूछना जरूर है आप लोगों को। उसके अलावा मैं हर एक गर्ल्स को यही कहना चाहूंगी कि आप किसी को भी इग्नोर करने के बजाय उसे जवाब देना सीखिए, क्योंकि हम किसी को एक बार इग्नोर करते हैं और हमने किसी को इग्नोर किया उस टाइम पे अगर दूसरे लड़के ने हमें देख लिया कि ये लड़की इग्नोर करके निकल रही है तो दूसरा लड़का भी हिम्मत करेगा। और मैंने जो इस दौरान गालियां जो मेरे मुंह से निकली थी उसके लिए वैसे मैं सॉरी चाहूंगी, लेकिन जो मेरे बारे में ये बोल रही कि ये लड़की गंदा, इतना गंदा बोल रही है, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि जिस दिन आपकी बहन बेटी को कोई कुछ बोलेगा उस दिन आप लोग मुझसे भी ज्यादा गंदा बोलोगे। ये मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगी, स्पेशली जिन्होंने, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि ये लड़की इतना गंदा बोल रही तो आई थिंक ये लड़की सही नहीं है, तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगी सबसे पहले कि जिस दिन आपके घर पे या आपकी बहन बेटी के साथ ये चीज होगी उस दिन आप मुझसे ज्यादा गंदा बोलोगे। और गर्ल्स को मैं ये कहना चाहूंगी, आप इग्नोर करने के बजाय हिम्मत करिए, मरना तो वैसे भी है तो लड़के मरो, हिम्मत तो करो, अगर हम हिम्मत करेंगे तो ही तो हम उनसे लड़ पाएंगे, या हम उस इंसान से शायद, हो सकता है जरूरी नहीं कि हमेशा लड़ाई में हमने सोच लिया कि हमारी हार होगी तो हमारी हार हो, कभी कभी हम जीत भी जाते हैं, तो हमें हमारी जिंदगी के लिए लड़ना चाहिए। और फर्स्ट चीज गर्ल्स को ये सोचना चाहिए कि नहीं यार मुझे किसी लड़के ने छेड़ा है तो मैं इसको वो चांस नहीं दूंगी कि लोग मेरे लिए जस्टिस फॉर लेके सिर्फ नाम चेंज हो जाए, या मेरे लिए लोग मोमबत्तियां जलाए, या फिर अगर मैं जिंदा भी रह जाऊं तो प्रशासन से भीख मांगनी पड़ेगी, नहीं मुझे इंसाफ दिलाओ, या गवर्नमेंट से भीख मांगनी पड़े, इसके बजाय खुद सेल्फ डिफेंड हो, मैं ये कहना चाहूंगी सबको। उक्त हादसे को लेकर महिलाओं को आप किस प्रकार से मोटिवेट करेगी, और लोगों की मानसिकता के बारे में आप क्या बताना चाहती हैं? जी, मैं लोगों की मानसिकता को लेकर मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार लड़की ने वेस्टर्न ड्रेसेस वियर कर रखा है, या फिर लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार ये तो लड़की घर से मतलब रात को लेट आती है तो यार ये लड़की इस तरह की है, तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती जाऊंगी कि आप लोग किसी को भी जज मत कीजिए, क्योंकि अगर कोई लड़की रात देर रात घर आ रही है तो कुछ जिम्मेदारियां निभा रही होगी, आप लोग उसको गलत समझ रहे हो, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं जो एक लड़की को लड़के की तरह निभानी पड़ती है। उसके अलावा
अगर आप ये सोचते हो कि नहीं यार लड़की ने छोटे कपड़े पहन रखे, तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगी कि तो आप लोग किसी को इस तरह से जज करना बंद कीजिए, कपड़ों से जज करना बंद कीजिए। और उसके अलावा गर्ल्स को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप कुछ भी ड्रेसेस वियर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप अपने संस्कार, अपने घर की मर्यादा को ध्यान में रखिए। उसके अलावा आप कोई भी काम करिए, सिर्फ अपने माता पिता के और अपने परिवारजनों के कहने को छोड़ करके अपने माता पिता की बातों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि माता पिता जो जिस चीज़ को हम जी रहे हैं या जिस दौर में हम जी रहे हैं, उस दौर को ऑलरेडी अपने माता पिता एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, वो जी चुके होते हैं, वो अपने भलाई के लिए कहते हैं, तो उनको थोड़ा सा समझिए, बाकी आप अपने हिसाब से जिए, लोगों के वो कहने पे आपको नहीं चलना है। और थैंक यू। स्टे अपडेटेड ऑलवेज विद भिलवाड़ा लोकवाणी न्यूज ऐप। हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर, देखें न्यूज वीडियोस किसी भी टाइम। हमारे साथ जुड़े रहे और डाउनलोड करें भिलवाड़ा लोकवाणी ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। डाउनलोड नाउ। और सब्सक्राइब करना ना भूले आपका अपना भिलवाड़ा लोकवाणी यूट्यूब चैनल।